हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 28 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए नीति आयोग विजन 2035। नीति आयोग का विजन है 2035, ठीक है। सो नीति आयोग विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस बिल्ड्स ऑन द फैसिलिटीज क्रिएटेड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एंड अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स। सेकेंड, The vision 2030 mentioned in the above point pertains to universal health coverage and availability of medicines in rural areas. Third statement देखिए, the vision aims to take the aid of technology in surveillance and record keeping along with the analytics of for citizens health. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है देखेंगे। सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जिसमें है वन एंड थ्री ओनली। सेकेंड इज रॉन्ग। तो देखेंगे नीति आयोग विजन 2035 अ पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विलांस बिल्ड्स ऑन द फैसिलिटीज क्रिएटेड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम्स स्कीम्स एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स, ठीक है। और थर्ड है जो, तो विजन एम्स टू, क्या एम होगा इसका, विजन एम्स टू टेक द एड ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विलांस एंड रिकॉर्ड कीपिंग अलॉन्ग विद द एनालिटिक्स फॉर सिटीजन्स हेल्थ, ठीक है। इसका ये ऑब्जेक्टिव एम है। जो ये सेकेंड है ये रॉन्ग है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ सर्विलांस। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सर्विलांस बाय 2035 बिल्ड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज़ दैट इंक्लूड द आयुष्मान भारत स्कीम एंड द रिलेटेड इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंड द नेशनल हेल्थ डिजिटल ब्लूप्रिंट। ओके, इट एनकरेजेज द यूज़ ऑफ मोबाइल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक्स फॉर अमेलगमेशन ऑफ डेटा कैप्चर एंड एनालिसिस। तो इसमें कौन सा, ये देखिए, एक तो आयुष्मान भारत स्कीम, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंट एंड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इन सबको इंक्लूड करके ये पब्लिक हेल्थ सर्विलांस बाय 2035। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दिस विजन आर एन इंटरडिपेंडेंट फेडरेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, अ न्यू डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ न्यू एनालिटिक्स हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा साइंस, ठीक है। इट इज़ ए फेडरेटेड सिस्टम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये था नीति आयोग का विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस। अब देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। द पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। कौन सा सही है इसमें देखेंगे। तो यहाँ होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। इट मीन्स द पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। शुड, ठीक है, पार्लियामेंट को एक ईयर में दो बार मिलना ही होगा। एंड जैसे एक सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है, सिक्स मंथ, सिक्स मंथ से ज़्यादा कोई गैप नहीं हो सकता। इट मीन्स दो बार तो पार्लियामेंट को समन करना ही होगा। एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, बिकॉज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये देखिए, एज पर आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट फॉर द यूनियन कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दी टू हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा। तो पार्लियामेंट में कौन है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड ए सेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच सेशन एट सच इंटरवल्स दैट देर शुड नॉट बी मोर देन सिक्स मंथ गैप। सिक्स मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए किसी सेशन के बीच। बिटवीन द टू सेशन, सिक्स मंथ का गैप नहीं होना चाहिए टू सेशन के बीच में। एंस द पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट साहब समन करते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग को, सेशन को। तो ये याद रखना है। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड सेवरल केसेज ऑफ साइगेला इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये जो चल रहा है बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, साइगेला इन्फेक्शन, कौन से स्टेट में पाया गया है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है केरल, केरल में, ठीक है। द केरल हैज़ रिकॉर्डेड सेवरल केसेज ऑफ साइगेला इन्फेक्शन, अ बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब देखेंगे क्वेश्चन फोर, विच कंट्री हैज़ गिवन लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसने दिया है मोदी साहब को। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यूएस ने दिया है लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखिए, ये क्या है लीजन ऑफ मेरिट। द लीजन ऑफ मेरिट LOM इज़ ए मिलिट्री अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज
that is given for exceptionally meritorious conduct in the performance of the outstanding services and the achievements. The decoration is issued to members of the 8 uniformed services of the United States as well as to military and political figures of the foreign government. इसीलिए LOM दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को. अब देखिए क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड. फर्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन एडेड टू करेंसी मैन्युपुलेटर, करेंसी मैन्युपुलेटर वॉच लिस्ट बाई द USA ड्यू टू मैजिव फॉरेक्स इंटरवेंशन बाई RBI. सेकेंड, RBI नीडेड टू बैलेंस द मैजिव फॉरेन इन्फ्लोज इन टू द कंट्रीज टू स्टेबिलाइज द रूपी. थर्ड इज दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बीन एडेड टू द करेंसी मैन्युपुलेटर वॉच लिस्ट बाई द USA. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सोचिए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए जिसमें है 1 और 2 ओनली. थर्ड गलत है. ये देखेंगे, इंडिया हैज़ बीन एडिड टू करेंसी मैन्युपुलेटर वॉच लिस्ट. US की ये वॉच लिस्ट है करेंसी मैन्युपुलेटर वॉच लिस्ट, तो US ने इंडिया को भी इसमें ऐड कर दिया गया है. ड्यू टू, कारण क्या है? ड्यू टू द मैसिव फॉरेक्स इंटरवेंशन बाय द RBI, RBI के इंटरवेंशन के वजह से. ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये, दैट RBI नीडेड टू बैलेंस, या जरूरत पड़ती है RBI को, दैट RBI नीडेड टू बैलेंस द मैसिव फॉरेन इनफ्लोज इन टू द कंट्री टू स्टेबिलाइज द रूपी. RBI इंटरवेंशन क्यों करता है? टू स्टेबिलाइज द रूपी. इसी कारण से ज़्यादा इंटरवेंशन करने से US ने जो इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाला है. जो थर्ड है ये रॉन्ग है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि US ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाला हो. ठीक है, ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका. द US ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेमी एनुअल रिपोर्ट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैज पुट इंडिया ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ कंट्रीज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर करेंसी मैनिपुलेशन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी एडेड टू अप टू 2.4% ऑफ GDP. वाइल द डिपार्टमेंट एक्नोलेज्ड द RBI's ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग डाटा ऑन इंटरवेंशन, इट कॉल्ड फॉर द सेंट्रल बैंक टू अलाउ द रूपी टू एडजस्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स. इंडियाज री एंट्री इन टू द वॉच लिस्ट, री एंट्री इट मीन्स पहले भी वॉच लिस्ट में डाला गया है. इंडियाज री एंट्री इन टू द वॉच लिस्ट इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग एंड मैसिव फॉरेक्स इंटरवेंशन बाई द RBI दिस ईयर. द RBI सो फार हैज बीन डिफ्लेक्टिंग मैसिव कैपिटल इनफ्लोज बाई इंटरवेनिंग एग्रेसिवली. ये देखिए, टू प्रिवेंट द रूपीज एप्रिसिएशन एमिड कॉम्पिटेटिवनेस एंड करेंसी ओवर वैल्यूएशन कंसर्न्स. ठीक है, RBI ने इंटरवेंशन किया है एग्रेसिवली. ठीक है, टू स्टेबिलाइज द रूपी. ओके, तो याद रखना है दैट इंडिया में पहले भी इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट में डाला गया है, और ये जो RBI जो क्या इंटरवेंशन लेता है रूपी स्टेबिलाइज करने के लिए, इसी वजह से. अब क्वेश्चन 6 देखिए, विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी. विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी. सोचिए जैसे UP, महाराष्ट्र, MP एंड गुजरात, कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा गुजरात, डी. लिथियम रिफाइनरी कहाँ होगी? गुजरात में. ओके, क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिमालयन थ्रिलियम एज पर द IUCN रेड लिस्ट. हिमालयन थ्रिलियम, थ्रिलियम गोवेनियम, ये जो अभी, ठीक है, इसके क्या स्टेटस है? सोचिए, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंडेंजर्ड. हिमालयन थ्रिलियम इज एंडेंजर्ड. ठीक है, और ये IUCN क्या है देखते हैं. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ऑल्सो नोन एज द IUCN रेड लिस्ट और रेड डेटा लिस्ट, फाउंड इन 1964, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all the regions of the world. With its strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most authoritative guide to the status of biological diversity. A series of regional red lists are produced by countries or organizations which assess the risk of extinction to species within a political management unit. तो ये जो है IUCN के बारे में, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है. ठीक है, क्या है था IUCN है एक, 1964 में इसका फाउंडेशन हुआ. इसका काम है टू ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री टू कंजर्व स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये प्रोवाइड करवाता है स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज. ठीक है, अब देखें क्वेश्चन 8, विच इंडियन साइट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 42nd रामसर एक्ट. ठीक है, 42nd रामसर साइट किसे घोषित किया गया अभी?
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ये भी, सो का वेटलैंड ऑफ लद्दाख। ठीक है, 42nd आंसर करेक्ट है, सो का वेटलैंड ऑफ लद्दाख। ये वेटलैंड्स क्या होती है देखते हैं। रामसर साइट इज़ ए वेटलैंड साइट साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कॉन्वेंशन, जो कि ईरान में हुआ था। द कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स नोन एज द रामसर कॉन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1979-71 बाई द यूनेस्को, विच केम इन टू फोर्स इन 1975। इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड द वाइड सस्टेनेबल यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। रामसर आइडेंटिफाइज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली दोज प्रोवाइडिंग वाटर बाउल हैबिटेट। ठीक है, तो यह है रामसर साइट के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन 9। विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2020, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम UNDP इज कैलकुलेटेड HDI हैज़ इंक्लूडेड कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट्स। द HDI ऑल्सो मेजर्स जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस फॉर इट्स रैंकिंग्स। इन HDI 2020 इंडिया रैंक्स 129 एंड हैज़ रजिस्टर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अराउंड 72.6 ईयर्स, विच इज़ एन इंक्रीज फ्रॉम दी प्रीवियस 69.7 ईयर्स। तो करेक्ट कोड देखेंगे HDI 2020 के रिगार्ड में। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1 एंड 2, मीन्स थर्ड इज रॉन्ग। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया है पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ इंक्लूडेड इन HDI। और द HDI ऑल्सो मेजर्स जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस फॉर इट्स रैंकिंग्स। यस, इट इज़ करेक्ट। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, HDI इज़ द मेजर ऑफ नेशनल नेशंस हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो HDI में क्या तीन पैरामीटर्स है, फर्स्ट है लॉन्गेविटी, सेकंड नॉलेज एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। यही यहाँ दिया है, नेशंस हेल्थ इज़ लॉन्गेविटी, देन नॉलेज एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो ये तीन पैरामीटर्स है। फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू मेट्रिक टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाई ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशंस एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट्स। ये फर्स्ट टाइम HDI में इंक्लूड किया गया है, पर कैपिटा कार्बन एमिशंस विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेटल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज इट कंज्यूम्स। द UNDP ऑल्सो कैलकुलेट्स एज पर इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और द GDI। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को भी इंक्लूड करता है ये HDI का पैरामीटर देने में। एज पर द HDI 2020 द GDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज 0.820, विद द GDI वैल्यू फॉर फीमेल्स स्टैंडिंग एट 0.573 एंड दैट फॉर द मेल्स इज एट 0.699, शो कास्टिंग अ वाइड कॉन्ट्रास्ट। अकॉर्डिंग टू द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस एट बर्थ इन 2019 वो 69.7 ईयर्स 2019 में ये थी, वाइल बांग्लादेश इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 72.6 एंड पाकिस्तान वो 67.3। तो याद रखना है HDI के रिगार्ड में ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट तीन इसके पैरामीटर, नेशन हेल्थ एजुकेशन दैट इज लॉन्गेविटी नॉलेज एंड पर कैपिटा इनकम, एंड इस बार जो है पर कैपिटा कार्बन एमिशंस को भी इंक्लूड किया गया है HDI। ओके, क्वेश्चन 10 देखेंगे लास्ट। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत के रिगार्ड में फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लोक अदालत इज मेंट फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR। लोक अदालत इज मेंट फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सेकेंड, दो लोक अदालत इज नॉट अ कोर्ट इन अ स्ट्रिक्टर सेंस बट इट्स डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ सिविल कोर्ट डिक्री। सेकेंड, देर इज नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड सेंटेंस्ड बाई द लोकसभा, सॉरी लोक अदालत। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखना है क्या है लोक अदालत के रिगार्ड में। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रूली करेक्ट, दैट द लोक अदालत इज मेंट फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यस, इट इज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। और ये सेकेंड है जो, दो लोक अदालत इज नॉट अ कोर्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस, ओके, बट इट्स डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सिविल कोर्ट डिक्री। ये देखिए, इसकी पावर सिविल कोर्ट डिक्री के बराबर में है। एंड ये थर्ड है, सो देर इज़ नो अपील। यस, देर इज़ नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड सेंटेंस्ड बाई लोक अदालत, दैट मीन्स लोक अदालत वर्डिक्ट इज़ फाइनल, सो देर इज़ नो अपील एंड इट हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट डिक्री एंड इट इज़ एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। लोक अदालत इज अ मोड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म
इट इज़ कंडक्टेड बाई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन। इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अ कोर्ट इन द कॉन्वेंशनल सेंस इन एज मच एज द लोक अदालत डज नॉट एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज आर रिजॉल्व बाई कॉन्शिलियशंस, ठीक है, मीडिएशन एंड नेगोशिएशंस। यह है लोक अदालत के बारे में बेसिक इन्फो। दैट्स ऑल, थैंक यू।